हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ भरवा करेले की रेसिपी शेयर करूंगी और इस रेसिपी से बने हुए करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो रेसिपी को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। अब हम इसके दोनों एजेस काट देंगे और इसको छील लेंगे। तो आप इसका ऊपर से हल्का हल्का सा छिलका उतार लें, ज़्यादा मोटा छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं चाकू से या पीलर से भी आप इसका छिलका उतार सकती हैं। छिलका उतारने के बाद हम इसमें एक कट लगाएंगे और इसके सारे बीज स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें कट लगा रही हूँ और कट लगाने के बाद हम इसके सारे बीज निकाल कर इसको अंदर से खाली कर लेंगे, जिसके अंदर हम मसाला भरेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरह हम सारे करेलों को छीलकर इनके बीज निकाल लेंगे और छिलकों को अलग रख लेंगे। और अब हम करेलों के ऊपर अच्छी तरह नमक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी करेलों पर अच्छी तरह नमक लगा दिया है और हम छिलकों में भी नमक मिक्स कर लेंगे और उसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा करने से ये पानी छोड़ेंगे और इसका कड़वापन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। तो इसको नमक लगाकर 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आप ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकती हैं। और इसके बाद आप इनको अच्छी तरह धो लें, जो इनका एक्स्ट्रा नमक है उसको अच्छी तरह धोकर निकाल लें। यहाँ पर मैंने छिलकों को भी धो लिया है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो आप इसके लिए स्टीमर का भी यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पर छलनी में स्टीम कर रही हूँ। स्टीम में हम करेलों को करीब 80% तक कुक कर लेंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून सौंफ ली है और इसको मैंने कूट लिया है, तो वो डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे और 1/4 टीस्पून कलौंजी डालेंगे। तो कलौंजी आप कम ही डालें क्योंकि इससे मसाला कड़वा हो सकता है। इसको हम खुशबू आने तक भून लेंगे और फिर हम इसमें करेले के छिलके ऐड कर लेंगे और इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो जब हमारे करेले के छिलके अच्छी तरह फ्राई हो जाएँ तो हम इसमें 2 चॉप की हुई प्याज डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह भूनेंगे। तो ये मसाला हमें बिल्कुल सूखा तैयार करना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च डाल दें आप। मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है। इस मसाले को हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे और अब हम इसको करेले में भरेंगे। तो यहाँ पर करेले भी हमारे स्टीम हो गए हैं, इनको भी ठंडा कर लेंगे और अब हम इस मसाले को हाथ से करेले में अच्छी तरह भर देंगे। तो यहाँ पर मैं हाथ से सभी करेलों को भर दूँगी और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मसाला निकल सकता है तो आप इसके ऊपर धागा लपेट दें, तो उससे आपका मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं भी इसके ऊपर धागा लपेट दूंगी ताकि हमारा मसाला बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो आप भी ऐसे ही सब करेलों के ऊपर धागा लपेट दें और जब आप इसको खाएँ तो आप इस धागे को हटा सकती हैं। तो अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। एक पैन में हम ऑयल लेंगे और इन करेलों को इसमें तेल में रख देंगे और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और जो मसाला थोड़ा सा बच गया है मैं वो भी इसी में डाल दूंगी और अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद खोल कर करेलों को पलट देंगे और इनको सभी साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने करेलों को पलट दिया है और फिर हम इसको ढककर थोड़ी देर और पकाएंगे और थोड़ी देर बाद फिर हम इन करेलों को पलट देंगे। तो इस तरह हम 2-3 बार करेलों को अलग पलट कर अच्छी तरह पका लेंगे। तो हमारे करेले बनकर तैयार हैं। आप इसको रोटी या पराठे के साथ इंजॉय करें। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और खाने में बहुत टेस्टी होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है।